पोहे साग रिकच बनाने के लिए पोहे के बड़े बड़े पत्ते चाहिए। मसाले में चाहिए लहसुन, हरी मिर्च, काली सरसों, जीरा, धनिया, काली मिर्च, सारे मसाले का पेस्ट बना लीजिए। बेसन है 2 कप डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और सारे पीसे हुए मसाले का पेस्ट डाल करके गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। अब पोहे के पत्ते लेंगे, पोहे के पत्ते में 1 चम्मच डालेंगे बेसन के घोल और अपने हाथों की सहायता से अच्छे से पत्ते में बेसन को फैला देंगे। 7-8 पत्ते रख करके रोल करके धागा से लपेट लेंगे और सारे रोल को ऐसे ही तैयार करेंगे। इस पर हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब छेदे वाले थाली में रिफाइंड तेल लगा करके गर्म पानी के ऊपर में सारे रोल को रख देंगे और 20 मिनट ढक करके पका लेंगे। 20 मिनट बाद गैस को बंद करके सारे रोल को ठंडा करके धागा निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म करके सारे रिकच को लाल करके तल लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।